जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आपको बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 32 को। बता दें साथियों को, सेट नंबर 32 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 31 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे, दोस्तों हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 3-3 बार 4-4 बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जो कि रेलवे 6-6 बार 7-7 बार रिपीट करता है साथियों। तो ऐसे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। और ये तो हो गया आप लोग का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन। दूसरा नंबर जो टॉपिक रहता है वो रहता है हम लोग का दोस्तों टीसीएस वाला क्वेश्चन। टीसीएस वाला क्यों? तो आप लोग की टीसीएस जो है ना, वो इस बार साल 2024 में रेलवे की एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी, इसे ध्यान रखिएगा। तो टीसीएस पैटर्न पर जितना भी क्वेश्चन आप लोग से कवर हो सके सारा कवर करिए, आप लोग का तैयारी मजबूत होगा साथियों। और जो तीसरा नंबर पॉइंट रहता है वो रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का इसलिए दोस्तों क्योंकि लगभग 30% जो क्वेश्चन रहते हैं ना एग्जाम में, तो वो आप लोग के लगभग एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता है उसमें लगभग आप लोग के लगभग 30% दोस्त वो एनसीईआरटी पर ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अगर एएलपी टेक्नीशियन का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो दिमाग में रख लेना है कि 30% क्वेश्चन आप लोग का एनसीईआरटी से पक्का है कि फिक्स है कि आएगा ही आएगा दोस्तों। तो ये तीनों टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक और टॉपिक आप लोग को दिया हम इस पर जोड़ते हैं, चौथा नंबर टॉपिक रहता है कोटा वाला क्वेश्चन। देखिए जो कोटा वाला क्वेश्चन किसे कहते हैं, तो रेलवे के द्वारा जो भी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं ना पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, तो वो वाला जो क्वेश्चन रहता है ना वो साथियों एग्जाम वाला क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट भर्ती में बाद में पूछता है। तो ये चारों पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग के आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है साथियों। तो इन चारों पैटर्न का क्वेश्चन हम आप लोग को कवर कराते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेट नंबर 32 को। और बताना चाहते हैं अगर आप लोग सेट नंबर 31 तक क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक हम प्रोवाइड करा दिए हैं। और उसके साथ साथ साइंस का हम लोगों ने सेट नंबर 79 तक टोटल क्लास कंप्लीट कर दिया है, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा है। जाकर के सभी क्लास वॉच करिए क्योंकि आप लोगों के लिए आगामी एग्जाम रेलवे का अगर क्रैक करना है तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हम आप लोगों के लिए क्लासेस रोजाना उपलब्ध कराते हैं। तो आइए आज का पहला नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 32 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? देखिए दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष में प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावना को हमारे छोटे भाइयों किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष में प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा छोटे भाइयों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? किसका सबसे अधिक प्रभाव है दोस्तों? तो आइए इसका सही जवाब देख लेते हैं। देखिए भारत सरकार के अधिनियम 1936 नहीं, ये नहीं होगा, जर्मनी का बेइमर संविधान। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जर्मनी का बेइमर संविधान। निम्नलिखित में से किसका, तो जर्मनी का बेइमर संविधान का अधिक प्रभाव जो है भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां आवश्यक नहीं है। साथियों एग्जामिनेशन में कभी भी बैठते हैं तो क्वेश्चन पर आप लोग को नहीं और है में जरूर फोकस करना होगा। तो यहां पर हम लोग का क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं है, आवश्यक नहीं है जहां। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा जहां। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, यह भी नहीं होगा। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है, यह भी नहीं होगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि यहां पर कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार फोर नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसमें पूछा था? अच्छा, स्टेशन मास्टर में आप लोग का पूछा हुआ था, स्टेशन प्रबंधक में। फोर नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? संविधान का एकात्मक लक्षण पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा है। तो आइए देखिए सही जवाब क्या होगा। संविधान का एकात्मक लक्षण, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ी हो, ठीक है, ठप यानी कि बैठ गया हो, ठप पे पड़ी हो, तो हाँ ये वाला हम लोग का सही होगा, ठीक है। और हम लोग का क्या पूछ रहा था, कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो पहला हम लोग का भैया है, दूसरा पढ़ा जाए एकल संगठित न्यायपालिका
ये भी है। तीसरा नंबर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, हाँ ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, ये सभी के सभी है। ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो संविधान का एकात्मक लक्षण में ये तीनों ऑप्शन आता है दोस्तों। सही जवाब होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द कौन सा? समाजवाद और फिर धर्मनिरपेक्ष, क्या होगा? समाजवाद और फिर धर्मनिरपेक्ष, तो क्या होगा? आइए सही जवाब देखते हैं। मूल प्रस्तावना के भाग थे? नहीं। 29वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? नहीं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना के उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और फिर धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, तो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। अच्छा, आप लोगों को बतलाना चाहेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से ये हम अभी आप लोगों को क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर करा रहे हैं ना, और TCS का हो गया, NCERT हो गया, ये सारे को कंबाइन करके हम आप लोगों के लिए एक रामबाण PDF भी अरेंज किए हैं। देखिए, अब आप लोग बोलिएगा कि भैया आपके PDF में ऐसा क्या है जो कि अन्य किसी भी के भी PDF में आप लोग को नहीं मिलेगा। तो देखिए, हम आप लोगों को अपने PDF में रेलवे और रेलवे का मुख्यालय तक ऐड किए हैं दोस्तों। देखिए, रेलवे का एग्जाम है और इसमें रेलवे और रेलवे का मुख्यालय साथियों हर बार एक क्वेश्चन जरूर डालता है। तो देखिए, उससे रिलेटेड हम आप लोग को एक छोटा सा सैंपल रखे हुए हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन की संख्या तो आप लोग के लिए हम 20,000 प्लस प्रोवाइड करा रहे हैं। कितना? तो 20K प्लस क्वेश्चन हम आप लोग को दोस्तों प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा कैसा है, तो आप लोग इसमें देखिए करा है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। उत्तर मध्य हो गया, यहां पर आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज में फिर से इसे डाल दिया गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है। देखिए, उत्तर मध्य का अलग जवाब होगा, उत्तर पश्चिम का अलग जवाब होगा। तो साथियों, ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के रेलवे के एग्जाम्स में पूछते हैं, सभी को मैंने तोड़ करके आप लोग के लिए विस्तार से एक PDF उपलब्ध कराया है, जिसमें कि 20,000 प्लस क्वेश्चन है साथियों। TCS का हो गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद इसमें क्वेश्चन कौन सा है तो कोटा वाला क्वेश्चन और NCERT वाला क्वेश्चन, चारों पैटर्न पर हम आप लोग को क्वेश्चन इसमें कवर कराए हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या 20,000 प्लस है। इसमें आप लोग को दोस्तों साइंस की जो क्वेश्चन है ना, वो 4,000 प्लस आप लोग को देखने को मिलेगी, 4,000 प्लस। और GK की अगर हम लोग बात कर लें तो GK दोस्तों 8,000 प्लस क्वेश्चन आप लोग को GK का देखने को मिलता है। और स्टैटिक GK का क्वेश्चन जो है हम इसमें आप लोगों के लिए 2,000 रखे हुए हैं, 2,000। और इसी प्रकार से मैथ और इसी प्रकार से रीजनिंग, यानी कि रेलवे के सभी सब्जेक्ट का हम आप लोगों के लिए कॉम्बाइन कॉम्बो कॉम्बिनेशन लेकर के आ चुके हैं, जो आप लोगों के लिए रामबाण PDF 2024 में साबित होने वाला है। तो अगर आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं, आप लोग अगर सही महीने में साल 2024 में रेलवे के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग को इजीली करना क्या है, हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर देना होगा आप लोगों को। दोस्तों देखिए, नंबर नोट कर लीजिए अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो। जो नहीं लेना चाहते वो दोस्त हमारे सिर्फ वॉच क्लासेस को वॉच करिए और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। 7870141238। ठीक है, अगर आप लोग PDF लेते हैं तो उसमें ये आप लोग को प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन टोटल कवर कराया गया है, आप लोग इजिली इससे अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग के लिए रामबाण PDF है। कितना क्वेश्चन का संख्या हम बोले, 20K प्लस क्वेश्चन हम आप लोग का बोले। और इस PDF को पाई करने के लिए सिर्फ आप लोग को 70 रुपीज पे करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज पे करना होगा दोस्तों, दिमाग में रखना है, सिर्फ 70 रुपीज। और कोई आप लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेते हैं, यानी कि सिर्फ आप लोग का मान लीजिए मैथ कमजोर है या फिर सिर्फ साइंस कमजोर है, तो उसके लिए आप लोग सिर्फ 30 रुपये पे करके कोई भी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं। और मास्टर PDF कितने में है, तो 70 रुपये में आप लोग को पूरा मास्टर PDF दिया जाएगा। साल 2024 के किसी भी रेलवे के एग्जाम को आप लोग इजिली क्रैक कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है छोटे भाइयों कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है, कौन है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का मूल अधिकार नहीं, नवीं अनुसूची नहीं, निदेशक सिद्धांत नहीं, संविधान की प्रस्तावना होगा। क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना होगी साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग के अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है साथियों। तो ये VBI क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर से जरूर नोट्स में बना लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है, तो संविधान की प्रस्तावना बताती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे। चलिए
देखते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना जो है ना वो कौन सा होगा हम लोग का? तो देखिए, विचार तो होगा साथियों, इसमें धर्म भी होगा, धर्म भी होगा, आस्था, आस्था नहीं होगा। तो ये पहला नंबर क्या, पहला नंबर खत्म, ये होगा अभिव्यक्ति होगा, मगर पहला नंबर खत्म, क्योंकि यहाँ पर आस्था दिया गया, आस्था नहीं होगा। देखिए, विचार होगा, विश्वास होगा, धर्म होगा, अभिव्यक्ति होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही जवाब होता है दोस्तों। ठीक है, विचार, विश्वास, धर्म और फिर अभिव्यक्ति। भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना जो है वह विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होता है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार एट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? कौन सा एक भाग बोला है दोस्तों कि नहीं है, नहीं को ढूंढना है। तो आइए, इन चारों में से जो गलत है उसको हम लोग ढूंढ लिया जाए। देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है दोस्तों? तो नहीं में कौन सा आता है? तो पंथ निरपेक्ष आता है क्या? पंथ निरपेक्ष आप लोग का, देखिए ये है प्रस्तावना का एक भाग, तो पंथ निरपेक्ष है। या आगे बढ़ते हैं, समाजवाद ये भी है, उसके बाद प्रजातांत्रिक गणराज्य ये भी है, फेडरलिज्म ये आप लोग की नहीं है, फेडरलिज्म नहीं है। और हम लोग का क्या कर रहा है क्वेश्चन में? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से नाइन नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो कभी भी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है छोटे भाइयों? तो वह कहलाता है प्रजातंत्र कहलाता है। वह कहलाता है क्या? प्रजातंत्र कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो कभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग की सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार टेन नंबर क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिक में क्या वर्णित है? संविधान के उद्देशिक उद्देशिका में क्या वर्णित है? कौन सा वर्णित है? आइए देखते हैं सही जवाब हम लोग क्या होगा। समाजवादी, जी हाँ साथियों समाजवादी होगा। धर्म निरपेक्ष नहीं होता है। लोकतांत्रिक गणराज्य तो ये तो हो जाएगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं, समाजवादी यस ये होगा, पंथ निरपेक्ष होगा और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब आ रहा है दोस्तों। ठीक है, कह रहा था क्वेश्चन हम लोग का कि संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है, क्या वर्णित है? तो समाजवादी, धर्म, पंथ निरपेक्ष और फिर लोकतांत्रिक गणराज, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा हम लोग का दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे आप लोग को सारा ये क्वेश्चन हम पीडीएफ में प्रोवाइड कराए हैं, अगर आप लोग पीडीएफ ले लेते हैं तो उससे तो आप लोग के लिए बेस्ट है। अगर नहीं ले पा रहे हैं कोई कारण वजह से, तो आप लोग को इजिली जो है क्लासेस के जरिए हम आप लोग को सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। मगर हाँ, डेली क्लास करिएगा तो ही आप लोग को कंप्लीट हो पाएगा। अब ऐसा नहीं कि एक दिन आज किए फिर दो दिन के बाद किए कोई क्लास, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, रोजाना क्लास करिए, नहीं तो पीडीएफ आप लोग लेकर के तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में आप लोग को बताया है कि 20,000 प्लस क्वेश्चन है जो स्पेशली रेलवे के लिए मैंने उपलब्ध कराया है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहां से ली है, कौन से जगह से ली है? तो सही जवाब होगा हम लोग का कनाडा से लिया गया है। कहां से? कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कनाडा से। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, कौन से लिया गया है दोस्तों? तो सही जवाब आइए हम लोग देख लेते हैं, न्यायिका पुनर्वीक्षा होगा, मूलभूत अधिकार ये भी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्त होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो तीनों को लिया गया है दोस्तों अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो कौन से देश से इसको लिया गया है दोस्तों? तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। देखिए, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल जो है ना वो कौन से देश से लिया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन से इसे लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 40 नंबर, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ? तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का जो गठन है दोस्तों वो कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो देखिए दोस्तों, भारत का संविधान जो है ना वो भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है, राज्यों का संघ से वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, सार्वजनिक हित याचिका
कि संकल्पना की शुरुआत कहां हुई थी। तो देखिए दोस्तों, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना का जो शुरुआत है ना, वो कहां पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का यूएसए में। कहां हुआ? तो यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूएसए होगा इसका दोस्तों, ठीक है। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो यूएसए में हुई थी, आप लोग को ध्यान रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के ऊपर पूछ रहा है कि सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है दोस्तों, तो किसका प्रभाव होगा हम लोग का? तो देखिए यहां पर हम लोग का सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किसका प्रभाव? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 80 नंबर। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां पर हुआ था? सबसे पहले कौन से जगह पर हुआ था? तो सही जवाब होगा हम लोग का ब्रिटेन में हुआ था। कहां हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव जो है सबसे पहले कहां हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो कौन से देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? तो अमेरिका था, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अमेरिका। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अमेरिका ने दिया था। किसने? अमेरिका ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बीबीआई क्वेश्चन है। नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे हम आप लोगों को तो पीडीएफ में उपलब्ध कराए ही हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? विश्व में लिखित संविधान किस देश का, विश्व में लिखित संविधान जो है किस देश का सबसे विस्तृत है? अच्छा, किस देश का सबसे विस्तृत पूछ रहा है साथियों? तो इसका सही जवाब हमारा भारत होगा, हमारा भारत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। भारत का संविधान जो है ना, वो डैश को लागू हुआ, तो कौन से डेट को लागू हुआ था दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पहले पूछता था, अब तो खैर नहीं पूछता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। एक ही क्वेश्चन को घुमा दिया है और कुछ भी नहीं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और फिर केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो कौन सी होंगी दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का धर्मनिरपेक्षता, नहीं संघवाद। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संघवाद होगा दोस्तों। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता? तो संघवाद विशेषता जो है यह राज्य स्तर पर और फिर केंद्र में सरकार के अस्तित्व को संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संघवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का, देखिए सच्चिदानंद सिन्हा ने नहीं रखा था, के एम मुंशी ने भी नहीं रखा था, बी एन राव ने भी नहीं रखा था, एम एन राव ने लिखा था। किसने? एम एन राय ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एम एन राय, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यानी कि पहली बार भारत के लिए संविधान के गठन का प्रस्तावना रखा था? तो एम एन राय थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 25 नंबर क्वेश्चन। सामान्य नागरिक संहिता किसके अंतर्गत में आता है? तो सामान्य नागरिक संहिता जो होता है वो हमारे दोस्तों राज्य की नीति निदेशक के तत्व में आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बीच में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है हम लोग का कि सामान्य नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में पूछ रहा है दोस्तों वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 44। सामान्य नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है, अनुच्छेद 44 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की
आत्मा के रूप में, कैसे आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, तो किसे भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, तो वो है मौलिक अधिकार। कौन सा है? तो वो है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वो है मौलिक अधिकार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले बहुत बार अन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, तो मौलिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधाना को मौलिक अधिकार माना गया है, तो किस वर्ष में पूछ रहा है दोस्तों, तो सही जवाब होगा हम लोग का 2002 में, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है ये साथियों, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ऐसे आने की संभावना कम है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है पहले पूछता था, कब ये पूछा गया था ऐसे NTPC, अरे यार ये तो 2021 में ही पूछा गया था भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ सकता है तो फिर आप लोग अब बोलिएगा कि आप बोले थे कि नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, पहले पूछता था, इधर नहीं पूछता था, मगर फिर बीच में कैसे दिन पूछ दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आशा करते हैं ले लिए होंगे आप लोग, चलिए फटाफट आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, शिक्षा का अधिकार जो है ना यह मौलिक अधिकार कब बना, तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार कब बना था, ये बना था दोस्तों अप्रैल 2010 में। चलिए दोस्तों आज हम लोगों ने कंप्लीट किया सेट नंबर 32 को, कल कंप्लीट करेंगे इसी प्रकार सेट नंबर 33 को, और साइंस का हम लोग कल कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 80 को। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगता है तो आप लोग से निवेदन करेंगे, प्लीज एक बार अपने सोशल आईडी पर वीडियो को एक बार जरूर से जरूर पोस्ट कर दीजिएगा, दोस्तों मित्रों के पास जो भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास जरूर वीडियो शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 7870141238। आप लोग इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर लेना है, सिंपली व्हाट्सअप कर लीजिएगा इस नंबर पर, और बोलिएगा कि भैया साल 2024 के रेलवे एग्जाम के लिए हमें रामबाण PDF दे दीजिए, तो आप लोग को वो PDF दे दिया जाएगा जिसमें कि 20 के प्लस क्वेश्चन है, और इसके लिए मूल्य कितना रखा गया है, तो सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज रखा गया है, और कोई अगर आप लोग एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज पे करना होगा साथियों। चलिए दोस्त आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कुछ अगर आप लोग को कमी लगती है तो कमेंट करिएगा, उस कमी को अगले वीडियो में जरूर हम उसको कंप्लीट कर देंगे साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जय हिंद जय भारत।